देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश का चुनाव है और उस चुनाव में अगर राजनीतिक दलों में उठा पटकना हो, राजनीति में उठा पटकना हो तो हो नहीं सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव वो चुनाव कहा जाता है जहां से देश की राजनीति तय होती है और आज भी कुछ उसी तरह से हुआ है। उठापटक की बात मैं कर रहा हूं और आज इतना बड़ा उठापटक हुआ है कि किसकी नींद उड़ गई है, किसको नींद आएगी ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन ये कहना आसान जरूर है कि किसी के लिए समस्या बहुत ज्यादा है और वो है बीजेपी, और किसी के लिए समस्याएं कम हुई है वो है अन्य राजनीतिक दल। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, कैबिनेट मंत्री के पद पर रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज अचानक से मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात भी कर ली और देखा देखी उनके साथ 3 से 4 और विधायकों ने इस्तीफा दे दिया पार्टी से। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक फेसबुक पे पोस्ट लिखा, ट्वीट भी किया कि मैं एक लंबे समय से लड़ाई लड़ रहा था लेकिन उस लड़ाई में सरकार का और पार्टी का सहयोग मुझे नहीं मिल रहा था। ये लड़ाई थी जो निचला तबका है, जो ओबीसी वर्ग है उसके लिए, ये लड़ाई थी मझले व्यापारियों के लिए, ये लड़ाई कई लोगों के लिए थी, लेकिन इस लड़ाई में सरकार का और मौजूदा सत्ता दल का साथ जो है वो मुझे नहीं मिल रहा था और इसी वजह से आज मैं इस्तीफा दे रहा हूं। इस्तीफा देने के बाद वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करने भी पहुंचे और अटकलें तेज हो गई कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी का हाथ पकड़ करके वो साइकिल की सवारी करेंगे और 2022 का जो चुनाव है वो स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के साथ यानी समाजवादी पार्टी के साथ लड़ेंगे। हालांकि अभी इस पर औपचारिक घोषणा नहीं हुई है लेकिन बताया जा रहा है कि शायद ऐसा हो गया है और स्वामी प्रसाद मौर्य अब सपाई हो गए। लेकिन कारण क्या था, किन कारणों से स्वामी प्रसाद मौर्य नाराज चल रहे थे, कौन सी वो बातें थी जिन बातों को लेकर उन्होंने अपने मन में घर बना लिया था और वो बातें जब पूरी नहीं हुई, वो वादे जब पूरे नहीं हुए तो उन्होंने नाराज होकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उसके बाद अटकलें और खबरें ये भी निकलकर सामने आने लगी कि जो बीजेपी का केंद्र नेतृत्व है वो लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के टच में है, स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने में लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश के भी कई सारे सीनियर लीडर्स को ये जिम्मेदारी दी गई कि स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाया जाए। केशव प्रसाद मौर्य ने ये ट्वीट किया जो कि डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा कि जो भी बात है वो बैठ करके सुलझाई जाए, मौर्य जी बैठे बातचीत करें और जो समस्या है उस समस्या का हल निकाला जाएगा। लेकिन उसके बाद हमारी प्राइम टीवी की टीम से भी स्वामी प्रसाद मौर्य की खास बातचीत हुई और उस दौरान भी उन्होंने इस बात को कहा कि जब मैं बात करना चाह रहा था तब ये बीजेपी वाले मुझसे बात नहीं करते थे और आज अगर ये बात करना चाह रहे हैं तो मैं बात क्यों करूं। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाली 14 से 15 तारीख को कुछ और भी बड़ा होने वाला है, क्या बड़ा होने वाला है ये तो वही बताएंगे, लेकिन उन्होंने ये अनुमान जरूर दे दिया है कि आने वाली 14-15 तारीख तक उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य कोई बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम उसको अंजाम देने वाले हैं। हो सकता है किसी अन्य राजनीतिक दल में वो शामिल हो जाए, ये भी हो सकता है, अटकलें हैं कि एक बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में उनके साथ विधायक और कुछ ऐसे सांसद भी हैं जो उनके साथ बीजेपी छोड़ सकते हैं, ये अटकलें हैं। इस पर अभी भी ऐलान तो नहीं हुआ लेकिन जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि आने वाली 14-15 तारीख तक मैं कुछ बड़ा करने वाला हूं और ऐसा बड़ा करने वाला हूं कि सब देखते रह जाएंगे, वो बड़ा क्या है ये देखना होगा। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के इस कदम से कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक दलों को टॉनिक जरूर मिला है जिसमें समाजवादी पार्टी प्रमुख है। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य की बातचीत जो है वो लंबे समय से चल रही थी लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से हामी नहीं भरी गई थी, लेकिन जैसे ही हामी भरी गई तुरंत स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया और ये कह दिया कि मेरी बात नहीं मानी जा रही है, मेरी बात नहीं सुनी जा रही है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य इंपॉर्टेंट क्यों है, खास क्यों है, ये भी जान लेना बहुत जरूरी है।
बहुजन समाज पार्टी में लंबे समय तक सेवा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा सुप्रीमो मायावती के बाद दूसरे बड़े नेता रहे हैं। मौर्य वोट बैंक हो या ओबीसी वोट बैंक अगर बसपा के साथ आया है तो स्वामी प्रसाद मौर्य का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने हमेशा ही बसपा को ओबीसी वोट बैंक से जोड़ा है, मौर्य वोट बैंक से जोड़ा है, और बसपा में जो मौर्य कैडर का वोट बैंक है वो स्वामी प्रसाद मौर्य की ही देन है। जब बीते दिनों बसपा से नाराज हो गए थे स्वामी प्रसाद मौर्य और वो बीजेपी की तरफ आए थे तो ये पूरा का पूरा वोट बैंक, ये सारे प्रमुख नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ चले आए थे क्योंकि हमेशा से वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही रहे हैं और उसका लाभ पूरा का पूरा बीजेपी को मिला था। स्वामी प्रसाद मौर्य खुद मंत्री बने, उनकी बेटी संगमित्रा मौर्य सांसद बनी और उनके साथ कई सारे विधायक, क्योंकि कुछ और विधायकों ने जो आज अपना इस्तीफा दिया है पार्टी से वो भी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आज अपना इस्तीफा बीजेपी से देते हुए दूसरे राजनीतिक दल जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य जाएंगे वहां जाने की तैयारी में लग गए। लेकिन ये साथ बहुत पुराना रहा है, ये साथ बसपा के समय का रहा है जब बसपा उत्तर प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़ती थी, सत्ता में आती थी। उस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य होल सोल नेता कहे जाते थे बसपा के और उनके साथ ये मौजूदा विधायक भी थे जो आज पार्टी छोड़ करके दूसरे राजनीतिक दल में जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। कहां जाएंगे ये नहीं कहा जा सकता। तो ये इंपॉर्टेंट है स्वामी प्रसाद मौर्य की और उनके साथ जो उनका वोट बैंक है, जो कार्यकर्ता हैं, उनकी भी संख्या लगातार बढ़ती गई है बीते दिनों में, चाहे वो बीजेपी में रहे हों या फिर बसपा में रहे हों। वो संख्या कार्यकर्ताओं की, वो संख्या जो लीडर्स हैं उनकी, वो संख्या जो नए नेता हैं उनकी बढ़ती जा रही है और अब ये सब मिलकर के एक नए राजनीतिक दल की तरफ जाएंगे तो 2022 का समीकरण क्या होगा ये भी देखना अहम है। फिलहाल आज स्वामी प्रसाद मौर्य के कदम के उठाए जाने के बाद बीजेपी के लिए काफी समस्याएं हो गई हैं। चुनाव से ठीक पहले पूरा बीजेपी मिलकर स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने में तो लगा हुआ है लेकिन अब लग नहीं रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य मानेंगे। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर मौर्य की नाराजगी क्या थी, बीजेपी से वो क्यों नाराज थे, बीजेपी उनकी बात क्यों नहीं मान रही थी और क्या समाजवादी पार्टी के पक्ष में कुछ और भी ऐसे नेता हैं बीजेपी के जो टच में हैं, जो आने वाले दिनों में कुछ बड़ा खेल कर सकते हैं। क्योंकि आज ही मेरी सपा के गठबंधन वाली पार्टी सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से बात हुई और उन्होंने ये कहा है कि हर रोज मेरे पास कुछ मंत्री बीजेपी के आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भैया मेरा टिकट करा दो, मुझे पार्टी में शामिल करा दो। और जैसे ही उन्होंने इस बात को मुझसे कहा उसके थोड़ी देर बाद ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफे की खबर पर मुहर लगा दी थी। तो क्या ऐसा सच में है, कुछ और भी नेता बीजेपी के पार्टी छोड़ने वाले हैं, मंत्री पद छोड़ने वाले हैं? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और सबसे अहम चर्चा यही होगी कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य नाराज क्यों थे। कुछ बयान सुनिए और उसके बाद इस डिबेट को हम आगे बढ़ाते हैं। आगे की रणनीति के लिए दो दिन और आप इंतजार करिए, पर्चा दाखिला 14 से शुरू हो रहा है, 14 को मैं धमाका करूंगा। अब वो समय निकल गया। अच्छा। जब मुझे बात करने की आवश्यकता थी तो हमारे पार्टी के नेताओं को समय नहीं था और जब पार्टी के नेता बात करना चाहते हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य के पास समय नहीं है। अब 2017 के पहले 14 साल का वनवास भारतीय जनता पार्टी झेली है, अब फिर इनको एक लंबे वनवास में जाना होगा। माध्यमिक और बेसिक शिक्षा, वैकल्पिक ऊर्जा, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, महिला कल्याण, बाल विकास, पुष्टाहार, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग और मुख्य सचेतक विधान मंडल दल का। 3 बार मैं स्वतंत्र प्रभार का मंत्री रहा हूँ और पहले बार राजमंत्री बना था। तो मैं 3 बार मंत्री रहा, 4थी बार मैं विधायक रहा हूँ। पहले बार भोगनीपुर से विधायक रहा, दूसरी बार बिल्लौर से रहा और तीसरी बार कानपुर से 300 किलोमीटर दूर बिल्लौर से मऊ रानीपुर झांसी मध्य प्रदेश के बॉर्डर में मुझे भेजा गया और ऐसी जगह भेजा जाता था जहां कभी खाता नहीं खुलता था, वहां पर मैंने खाता खोला। और बिल्लौर में भी भारतीय जनता पार्टी का कभी खाता नहीं खुला था, वहां पर भी हमने पिछले चुनाव में वहां पर 25,000 वोट मिला था उनको और जब हम वहां से चुनाव लड़े तो 1,02,000 वोट हम लोगों ने हासिल। दे दिए
तो बात तो खुली हुई। अब देखते जाइए कि कल किसका इस्तीफा होता है। भारतीय जनता पार्टी का बुरा दिन चल रहा है। जिस दिन उन्होंने तालाब को समुद्र समझ लिया, समुद्र को तालाब समझ लिया, उसी दिन उनका विनाश का दरवाजा खुल गया। 12 पार्टी है और कुल झोरा वाली पार्टी है, झोला में पट्टे चलाते हैं। उस दिन स्वतंत्र देव पटेल का कार्यक्रम इस बरहो मिल के रखे कहाँ जानते हैं, बांसडी बलिया में। एक गाना गाने वाली को वहाँ बुलाई, इनका कार्यक्रम था। लखनऊ से बलिया तक सिक्योरिटी लग गई। जब पता लगा कि वहाँ भीड़ नहीं है तो स्वतंत्र देव पटेल का कार्यक्रम कैंसिल हो गया। फिर वहाँ भेजे गए बेचारे प्रभारी मंत्री राजभर जी। अभी गए तो वहाँ नाच हो रहा था, कोई डांसर नाच रही थी। 12 साल 10 साल 14 साल के लड़के अपना उसमें हसन हुसैन कर रहे थे, नारा लगा रहे थे। उसी बीच माइक पर अलाउंस होता है कि मंत्री जी आइए अपनी बात रखिए। मंत्री जी खड़ा होते हैं बेचारे, 12 पार्टियों की मीटिंग थी और मंत्री जी खड़ा होते हैं, संबोधन नहीं पूरा हुआ तब तक हुड़दंगई बच्चे शुरू कर दिए। अरे खबरदार, हम लोग नाच देख रहे आए हैं कि हम भाषण सुनने, बंद करा दिया भाषण। माइक पर ही मंत्री जी बोलने लगे कि हमको बेइज्जत करने के लिए बुलाया था, क्यों बुलाया था यहाँ। और उसके बाद गाना चालू। और मजे की बात, हम आपको दिखा दें वीडियो, स्वतंत्र देव पटेल के तमाम वहाँ होर्डिंगें लगी थी, महिलाएं कपार पर लेके जा रहे थे। जब किसी ने पूछा कि ये कहाँ ले जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो, कहा जौन योगी मोदी का सणवा वही के आड़ करो। दिखा दें अभी हम वीडियो, यही तो इनकी झोरा वाली पार्टी है, उसी पर नाच कसते हैं। क्यों इस्तीफा दे दिया, जब ही तो आप बता रहे हैं इस्तीफा दे दिया, क्यों दे दिया। तो हमारे साथ लगभग सभी मेहमान जुड़ चुके हैं और इस मुद्दे पर हम चर्चा भी अपनी शुरू करेंगे। सबसे पहले मेहमानों से आपको रूबरू कराते हैं। अश्विनी शाही साहब हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, शिल्पी चौधरी जी समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई हैं, इसके अलावा अमित गुरु हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कृष्ण गोपाल कश्यप हमारे साथ हिस्सेदारी मोर्चा से जुड़े हुए हैं, आप बीजेपी के साथ हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, और इसके अलावा मनीष शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का आज की डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शिल्पी जी आपके पास आना चाहूंगा आज, क्योंकि आज आप लोगों ने बहुत बड़ा विकेट गिरा दिया बीजेपी का। भाई क्या प्लानिंग थी पहले से, क्योंकि सुनने में तो आ रहा था कि कुछ बातचीत चल रही, लेकिन अचानक से इतना बड़ा विकेट गिरा दिया, कैसे? और भी कोई है क्या इसमें? समाजवादी पार्टी के और दल बल के समेत आए हैं, उन्होंने अपनी आस्था जताई है और उन्होंने अपनी शिकायतें भी बताई हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ना तो उन्हें उचित स्थान दिया, ना उन्हें उचित अवसर दिए। उनका दम घुट रहा था, जब उन्होंने बातचीत करने की पहल करी तो उनको समय नहीं दिया गया। तो ये तो शुरुआत है, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी जैसा कह रहे हैं कि 14-15 तारीख को बड़ी खबर आएगी, तो निश्चित रूप से अभी और बहुत सारी खबरें आनी बाकी हैं। नहीं, और कितने मंत्री हैं, कौन कौन संपर्क में है आप लोगों के? सुनने में आ रहा है कि बहुत बड़ी लिस्ट आप लोगों में दबा के कहीं रखी हुई है। समय आने दीजिए, अब तो सब कुछ सामने आने का समय है। वो लोग जो ये कहते थकते नहीं थे कि अखिलेश यादव कमरे में बैठे रहते हैं, कमरे से बाहर नहीं निकलते, आज उनके चेहरे देखने लायक हैं। आज उनकी थूथू जिस तरह से दिल्ली से लेके लखनऊ तक हो रही है, ताबड़तोड़ मीटिंग हो रही है, लोगों को कहा जा रहा है आप बैठिए, हम बैठ के बात करना चाहते हैं, वो लोग अब अपने बयानवीर लोग अब अपनी बयानों पे पुनर्विचार करें। ये समय बता रहा है कि अखिलेश यादव बंद कमरों में थे या जनता के बीच में थे, या वो राजनीतिक बिसात बिछा रहे थे। अच्छा, ये कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य कि 14-15 तारीख को कुछ बड़ा करने वाले हैं, क्या बड़ा करने वाले हैं, क्या आपको कोई आइडिया कुछ बताना चाहेंगी आप? नहीं, बताएंगे। अब वो हो सकता है कि
एक और अड़ंगा मार दें, एक और टंगड़ी फंसा दें भारतीय जनता पार्टी के। अच्छा, मतलब कोई और भी आ रहा है, कोई और बड़ा नाम आ रहा है, मतलब विपक्ष विहीन भारत की जो इनकी परिकल्पना है उसको धराशाही करने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट हुआ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि खुद इनकी पार्टी को छोड़ करके लोग आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार में अविश्वास जताते हुए नेता आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने इस टाइमिंग पर सवाल किया है, लेकिन वो टाइमिंग बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरह से ईडी, इनकम टैक्स और प्रशासनिक अमला भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन के कार्य कर रहा है, तो कोई भी व्यक्ति बैठे ठाले सरदर्द मोल नहीं लेना चाहता था। हर तरह से इन लोगों ने लोगों को बदनाम किया है, समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को बदनाम किया है, तो लोगों ने धैर्य का दामन नहीं छोड़ा। और ये इनपुट हमारे पास बहुत पहले से था कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। 200 विधायकों ने अगर योगी आदित्यनाथ में अगर अपना अविश्वास जताया था, ये साल भर पुरानी घटना हो गई है, तो उसका कुछ तो रिजल्ट निकल कर सामने आना ही था। नितिन जी, ठीक है मैडम। अश्विनी शाही साहब हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। शाही साहब, आवाज मिल रही है ना आपको मेरी? शाही साहब, क्या आवाज मिल रही है आपको मेरी? आज जितनी आवाज कम मिले उतना बेहतर है। नहीं, मैं वही जानने की कोशिश कर रहा था। शाही साहब को आवाज अभी नहीं मिल रही है, प्लीज जल्दी से सही करिए, शाही साहब की आवाज नहीं मिल रही है। मैं अमित गुरु के पास चलूंगा, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित भाई, अभी आप हंस रहे थे, शिल्पी जी ने कहा कि जब लोगों को लग रहा था कि अखिलेश यादव कमरे में चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं रहे, तो वो यही कर रहे थे, उस दौरान आपकी हंसी आ रही थी, क्यों भाई? आपको भी ज्वाइन होना है क्या सपा? अच्छा सवाल नितिन जी आपका। मेरी हंसी इसलिए नहीं रुक रही थी, आखिर साल डेढ़ साल पहले से खिचड़ी किस तरह की पक रही थी, फिर माजरा क्या था, किस तरह की मिलेगा बीजेपी और समाजवादी पार्टी की रही, मैं समझ नहीं पा रहा, उस पर मेरी हंसी थी। देखिए, एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, सत्ता की जो लोलुपता है और कुर्सी पे बने रहने की जो नेताओं की चाहत है, उसपे कहीं भी समर्पण और आस्था की बात रह नहीं जाती है। आज लोग दल छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। मैं अपने दल की भी बात करता हूँ, मेरे दल से भी तमाम नेता गए, लेकिन किसी भी दल की सियासत अवसरवादियों से तय नहीं हो सकती। ये अवसरवादी लोग चाहे जिस भी दल में हो, कहीं भी हो, वो अवसर का लाभ उठाए चले जाए तो उस दल के लिए बेहतर ही होता है। बहरहाल, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और उसने जिस तरह से कुशासन किया, और आपने देखा कि उनका मंत्रिमंडल और राजभर जिस तरह से शुरुआती दिनों में मंत्रिमंडल छोड़ के भाग गए, और उसपे उपेक्षा की ही बात आई थी। उनका यही कहना था कि पिछड़ों की बात जब मैं करता हूँ, लोगों के हकों की बात करता हूँ, तो ये सरकार सुनती नहीं है। तो अपने ही तत्कालीन सरकार में राजभर जो है अकेला पड़ गए थे, क्योंकि पूरी तरह से तानाशाही की सियासत भारतीय जनता पार्टी के अंदर होती है और उसमें उनके तमाम नेताओं का दम घुट रहा था। अब ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य एक मजे हुए खिलाड़ी हैं, बड़े राजनीतिज्ञ हैं, अवसर का लाभ उठाना उनसे बेहतर शायद ही कोई जानता है। नहीं, अवसर कहा, वो तो कह रहे हैं कि मेरी बातें नहीं सुनी जा रही थी, अवसर का लाभ थोड़ी ना है ये कोई। आपको कौन सा अवसर लग रहा है उसमें कौन सा? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, दो बातें हैं। मैं अवसर के लाभ किस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ, और वो जो कह रहे हैं कि उनकी बातें नहीं सुनी जा रही, वो सच कह रहे हैं, लेकिन डूबती हुई नाव पे मौर्य जी कब तक खड़े रहेंगे? अच्छा, डूबती नाव मतलब बीजेपी, डूबती नाव मतलब बीजेपी। बिल्कुल बिल्कुल, आज के दौर में बीजेपी डूबती हुई नाव है। और आज देखिए, मैं सपा, बसपा और भारतीय जनता पार्टी, तीनों दलों की बात करता हूँ मैं, इन तीनों दलों ने जनता से किनारा कस लिया। अच्छा, चाहे नोटबंदी के माहौल रहे हो, चाहे कोरोना का फेज रहा हो, फेज वन, फेज टू, आज तीसरे फेज में भी देखिए, ये लोग कोरोना को, भारतीय जनता पार्टी के लोग दावत दे रहे हैं, कोरोना को बढ़ाने में लगे हुए हैं। पिछले 2-3 महीने से देश के प्रधानमंत्री जिस तरह से उन्होंने मास्क उतार के रख दिया है, उसमें साफ ये दिलचस्पी झलक रही है कि शासन और सत्ता के अलावा ये सारी चीजें बकवास है। अच्छा, आज
जिस तरह से आपाधापी और भागा दौड़ी मच रही है उसमें कहीं ना कहीं से दो बातें जो आपने कही, एक उनका जो है उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी या किसी भी दल में संगठनात्मक ढंग से तवज्जो नहीं मिलता है तो लोग ये सब कारण बताते हैं। लेकिन सही बात यह है कि आज जनता अपना जनादेश बदलने जा रही है अपने कौन है, किसका जनादेश कबूल हो रहा है जनता को। देखिए आप देखिए बड़ा मजेदार आपने सवाल किया और कुछ आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी जवाब भी चाहते हैं नितिन जी, मैं मुझे ऐसा लगता है। देखिए आपको बता दूं, संघर्ष जमीन पे जनता के लिए अगर किसी ने किया, आप पिछले 2.5 साल से आप देख लीजिए आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, चाहे किसान की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे बेरोजगारों की बात हो, नौजवानों की बात हो, सबकी लड़ाई हमने लड़ी और अब हम जनता के बीच परीक्षा देने जा रहे हैं। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार है और इसके जस्ट पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसके पहले बसपा की सरकार थी, 32 साल से हम सत्ता में है नहीं, तो लंबे समय से सत्ता में न रहने की वजह से आप ये मान सकते हैं कि हम लड़ाई में नहीं है, लेकिन सच्चाई ये अगर मानते हैं आप तो ये गलत होगा। मैं कहां मान रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं आप लड़ाई में गांव से देख रही है, मैं तो कह रहा हूं मैं बिल्कुल आज जनता भविष्य देख रही है, वो कह रही है कि अब तो सबको देख लिया कांग्रेस की ही बारी है। शाही साहब कई दिनों से कह रहे थे कि कांग्रेस लड़ाई में नहीं है, कौन कह रहा था? शाही साहब बीजेपी से हैं, वो कह रहे थे कि लड़ाई में नहीं है कांग्रेस। अब शाही जी तो जब तक भारतीय जनता पार्टी बर्बाद नहीं हो जाएगी तब तक कहते रहेंगे, ठीक है। मैं उनकी उनके बात से सहमत नहीं हूँ। आप देखिए जिस तरह से, ठीक है अमित भाई आता हूँ नेक्स्ट राउंड में आता हूँ। ठीक है शाही साहब, आवाज मिल रही है आपको? आपकी आवाज आ रही है मुझे और किसी की आवाज में आवाज में नहीं सुन पा रहा हूँ। अच्छा ऐसा, मैं आवाज सही कराता हूँ आपको। मैं सवाल आपसे लेता हूँ शाही साहब, मैंने अभी शिल्पी जी से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि बीजेपी कह रही थी कि अखिलेश यादव कमरे में बैठे हुए कुछ नहीं कर पा रहे, तो अखिलेश यादव ये कर रहे थे, देख लीजिए जो आज स्वामी प्रसाद मौर्य का उन्होंने गेम किया बीजेपी के साथ। और दूसरी तरफ अमित गुरु साहब हमारे साथ कांग्रेस से हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा कि ये दल बदलने की जो राजनीति है ये तो चलती रहेगी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि कुछ बातें ऐसी थी जो आप लोग मान नहीं रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य की, ऐसा उन्होंने भी कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कहा, तो क्या नाराजगी की वजह थी, क्यों आप लोग ने नहीं मनाया समय पर? देखिए कुछ नाराजगी जरूर रही होगी, मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ नितिन जी। शिल्पी जी से ही शुरू करता हूँ। शिल्पी जी ने कहा कि भाई वो अखिलेश जी कमरे में बैठे रहते हैं, हाँ एकदम कमरे में बैठे रहते हैं, और आज उन्होंने उसका प्रमाण भी दे दिया है। मुझे तो राहुल गांधी के वो दूसरे अवतार लगने लगे हैं। आज जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य जी का इस्तीफा हो रहा है, थोड़ी देर बाद एक ट्वीट आ जाता है जिसमें दोनों लोग खड़े रहते हैं, और आप अभी चैनल पर देख पा रहा हूं कि आप उसको चला भी रहे हैं उस फोटो को जो ट्वीट में किया जा रहा है। अखिलेश जी कितनी अकुलाहट में थे, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने सपा ज्वाइन नहीं किया, सिर्फ भाजपा छोड़ा और उन्होंने ट्वीट कर दिया। अरे तो मिलने गए थे जी? नहीं, उन्होंने मना किया। अच्छा मिलने भी नहीं गए थे? उन्होंने तो मना किया है भाई, आप लोगों के माध्यम से मैं जान रहा हूं, मैं नहीं जान रहा हूं। कई चैनलों पर पूछा गया कि क्या आप गए थे, उन्होंने कहा नहीं अभी मैं किसी दल में शामिल नहीं हुआ हूं, कहीं नहीं गया, अभी तो आप इंतजार कीजिए 14 को धमाका करूंगा, कई लोगों से सलाह लूंगा। कौन सा धमाका है, कहां जाने की तैयारी वैरी लग रही है इनकी, कह रहे 14 तारीख को इन्होंने कहा ना तो जाने की तैयारी कहीं हो, लेकिन आज अचानक ये ट्वीट करना कि वो सपा में उनका स्वागत है, ये किस तरीके की राजनीति है, ये कमरे वाली ही राजनीति। अच्छा तो शिल्पी जी क्यों कह रहे हैं कि हम ही ने किया है सब, जो भी किया और भी लोग आने वाले हैं आपके यहाँ से? नितिन जी अभी तो आने वाले हैं, देखिए वो हर चुनाव के पहले आना जाना लगा रहता है, इसमें कोई बहुत ना खुश होने वाली बात है ना नाराज होने वाली बात है, ये तो हर, आप बताइए इनका 96 में शिल्पी जी, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी आप ही के MLA हुआ करते थे, वहां से उनका मोह भंग हुआ, वहां दलितों के साथ अन्याय हो रहा था, बहुत ज्यादा परेशानी थी उनकी, वो बहुजन समाज पार्टी में चले जाते हैं वही कह के, उसके बाद जब वहां दिक्कत होती है बहुजन समाज पार्टी में विरोधी दल के नेता बना दिए जाते हैं,
उनको वहां हाइप मिलता है, सम्मान मिलता है, 10 साल लग जाते हैं वहां पर मायावती, यहां पर पैसा लिया जाता है, यहां पर ये किया जाता है, वो आरोप लगा के भाजपा में आते हैं और आज फिर वही चक्र घूमा साइकिल का पहिया जो आपकी आपका चुनाव चिन्ह है वो घूम के फिर आपके पास गए, तो आज 5 साल लग गए उनको भारतीय जनता पार्टी में। आप कह रहे हैं गए नहीं गए मिलने, आप फिर कह रहे हैं गए भाई, नहीं नहीं आज अगर जा रहे हैं तो वही उनका जो है भारतीय, मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूं, साइकिल का पहिया घूम रहा है। तो अखिलेश जी कह रहे हैं जैसे कि आ गए, तो हमने कहा कि भाजपा पर वही आरोप लगा, 5 साल वही लग गया उनको ये देखने में कि भाजपा कैसी पार्टी है, यहां पर किसका सम्मान है, किस विरोधी विचारधारा के होते हुए 5 साल वो कैसे रहे। अरे सीधा कहते कि हम धृतराष्ट्र हैं, हमको अपने पुत्र के लिए टिकट चाहिए, हमको अपने ये चाहिए, तो आगे भारतीय जनता पार्टी सोचती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनकी, हो सकता है कि उनकी कोई चीज उनको ना पनी हो, और भारतीय जनता पार्टी ब्लैकमेल होने वाली पार्टी नहीं है। अभी बहुत लोग जाएंगे, बहुत लोग आएंगे, अभी देखते रहिए। समाजवादी पार्टी में अगर वो शामिल होते हैं तो अभी आने वाले दलों में देखिए कितने, राजभर जी, कौन मौर्या जी, जो एक दूसरे को जोकर बताते हैं लोग, ये लोग मिलकर ये आधा चुनाव तो समाजवादी पार्टी ऐसे ही हार गए नितिन जी, टिकट के बंटवारे में हार जाएंगे ये लोग आधा चुनाव। अभी किस तरीके से सिर फटोगे लोग, आप देखते रहिए, तेल देखिए तेल की धार देखिए। ठीक है सर, मैं आता हूँ। कृष्ण गोपाल जी हमारे साथ मौजूद है हिस्सेदारी मोर्चा से, हिस्सेदारी मोर्चा बीजेपी के साथ 2022 का चुनाव लड़ने वाले हैं। कृष्ण गोपाल जी, आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, क्यों नाराज है, क्या नाराजगी आपको क्या लगता है? मौर्य जी समय को देखकर फायदा उठाते हैं। अच्छा, और ये आप क्यों कह रहे हैं, आप पहले क्यों नहीं कहा, पहले आपको नहीं पता था क्या? ऐसा है कि देखिए शिल्पी जी भी हंस रहे हैं इस बात पे। हंस तो वो इसलिए रही है, मैं बता दूं, मौर्या जी के साथ में रहा हूं, बहुजन समाज पार्टी में मैं रहा हूं, उसके बाद ही मैंने पार्टी बनाई, इसीलिए मैंने बुलाया भी है आज जी। मौर्या जी को जब ये दिखता है कि अब यहाँ हमारी दाल नहीं गलेगी और हमको चलना चाहिए, तो वो तत्काल निर्णय ले लेते हैं। और बहुजन ये भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने 5 साल काटे, तो पहले क्यों नहीं गए जब बुरी थी, तो आज ही क्यों गए? इसका मतलब ये फायदा उठा रहे हैं वो, गलत। तो क्या पहले नहीं पता था कि चुनाव के दौरान जा भी सकते हैं ये? और पहले भनक लगती तब ना। अच्छा जी, नहीं हम लोग को पता चल रहा था कि ये जाने वाले आप लोगों को पता लग रहा था, और हम लोग तो बाहर से जब आ रहे हैं, सपा जान गई थी, देखिए सपा को पता था, सपा तब से डील करने में लगी हुई थी, आप लोग कह रहे हैं आप लोग को पता ही नहीं चला। डील की है नितिन जी, आगे आने वाले समय में सब पता लग जाएगा, समाजवादी पार्टी को भी पता लग जाएगा कि जो ये दल इकट्ठे किए हैं गठबंधन से, नेताजी ने ऐसा कभी नहीं किया। एक चीज मैं बता दूं, नेताजी ने हमेशा ताल ठोंक के राजनीति की। आज जो हो रहा है समाजवादी पार्टी में, हम लोगों के हिसाब से सही नहीं हो रहा, इसे इतने दल मिला के ये तुम सरकार बनाओगे तो चला कैसे लोगों 5 साल? सपा वाले आपकी राय थोड़ी ना मांग रहे भाई, तो नहीं मांग रहे, वो अलग का विषय है। अब मौर्या जी का एक अपना सोच रहा होगा, जो भी रहा हो। क्या लगता है 14 तारीख को बता रहे कुछ बड़ा करने वाले? कुछ नहीं बड़ा करेंगे, ये वही लोग जाएंगे जो नकारा है क्षेत्र में। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के साथ 5 साल रहे, क्षेत्र में काम नहीं किया। और आप बताइए, जब ये लोग क्षेत्र में दोबारा विधायक बनने जाएंगे और पार्टी बदल ली, तो इनको क्या जनता वोट दे दिया? आपको नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस में अगर कहीं भी जाते हैं तो दोनों ही आपके लिए ज्यादा मजबूत साबित होंगे विपक्ष में, लड़ाई में चुनाव की? नहीं कुछ नहीं, साइकिल तो अभी पंचर थी, अब हवा डल गई है, बस चलने में आ गए। और कांग्रेस? कांग्रेस का नाम क्यों ले रहे हो, वो तो अभी कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है भाई, अमित जी बता रहे थे अभी सब कुछ है, आप कह रहे कुछ नहीं। नहीं नहीं, नहीं, नहीं। कांग्रेस तो 5 सीटें भी यदि जिता लें, 7 थी और 17 में 7 सीटें मिली, और 5 सीटें भी यदि वो निकाल लें ठीक है तो बड़ी तारीफ समझे। ठीक है ठीक है, मनीष शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार के रूप में। मनीष जी, आज ये सब जो उत्तर प्रदेश में हुआ, हालांकि चुनाव है और ये सब चीजें आम होती हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य बीते विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह से कर रहे थे, इस बार के चुनाव से शुरुआत में भी उन्होंने यही कर दिया, उस बार भी कहा था कि मैं कुछ बड़ा कर दूंगा और आज भी कह दिए कि कुछ बड़ा करने वाला हूं। आप इसको किस नजर से देखते हैं और क्यों नाराज थे वो?
देखिए नितिन जी, चुनाव का मौसम है और निश्चित रूप से इस मौसम में जो मौसम वैज्ञानिक होते हैं उनका रोल जो होता है बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज की तारीख में इस घटनाक्रम को देखने के दो चश्मे हैं। एक चश्मे से ये देखा जाए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो ओबीसी के बहुत बड़े नेता हैं और निश्चित रूप से वो पार्टी बदलते रहे, इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। कल वो सपा में थे, उसके बाद में बसपा में थे, फिर भाजपा में थे और आज फिर सपा में गए हैं। तो वो जहां भी गए हैं उन्होंने सत्ता में भूमिका निभाई है, सबसे महत्वपूर्ण ये है। लेकिन इस घटनाक्रम का दूसरा एक जो पहलू है वो ये भी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को भाजपा ने बहुत कुछ दिया। उनकी बेटी को टिकट दिया, उसको सांसद बनाया, उसके बाद में बेटे को टिकट दिया, बेटे वहां से हार गए आपके ऊंचा हार से। स्वामी प्रसाद मौर्य को एक महत्वपूर्ण विभाग दिया और 5 साल तक उनको जो है एक महत्वपूर्ण नेता के तौर पे बीजेपी ओबीसी नेता के रूप में स्थापित करती रही। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 21 जून को एक बयान दिया जिसमें ये कहा कि नेता जो होगा, मुख्यमंत्री जो होगा भाजपा का अगला, वो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उस समय ही स्पष्ट हो गया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो नेतृत्व से, जो प्रदेश नेतृत्व है, जो प्रदेश का वो संगठन है, उससे बहुत ज्यादा खुश नहीं है। तो उसके बाद में क्या डैमेज कंट्रोल हुआ, क्या बातचीत हुई, उनको मनाने की कोशिश की गई, या ये मान लिया गया कि वो जिस तरह की भूमिका निभा रहे हैं इसके बाद में उनके रास्ते अलग हो जाएंगे। तो भाजपा को भी ऐसा नहीं है, भाजपा का भी अपना संगठन है और भाजपा ये देख रही होगी कि उनकी भूमिका क्या होने वाली है। तो सारे जो तराजू में तौले गए होंगे उसके बाद में जो निष्कर्ष निकला होगा उसके बाद में स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज ये निर्णय लिया। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में आप ये समझिए, अगर गैर यादव मिला के देखें तो 43% ओबीसी है और अगर उसमें मौर्य और सारे कुशवाहा जो भी जातियां सबको जोड़ लिया जाए तो 53% जो पिछड़ा वर्ग है वो यूपी का डिसाइडिंग वोटर है। वो कहीं भी जहां भी मूव करता है और स्वामी प्रसाद मौर्य के जो भी विधायक थे जिन्होंने उनके समर्थन में आकर बीजेपी छोड़ी है वो अपने आप में बसपा में भी मंत्री रहे हैं, उसके पहले भी मंत्री रहे हैं और वो अपने क्षेत्र के लगातार जीतते हुए चले आ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य 2009 से पडरौना से विधायक है, तो वो एंटी इनकम्बेंसी उनके लिए लागू होगी या वो निश्चित रूप से एक नया समीकरण लेके आएंगे ये तो अभी चुनाव के गर्भ में छुपा है। लेकिन ये निश्चित रूप से है कि एक ये आज का जो घटनाक्रम है वो दोनों ही जो सत्ता है और विपक्ष है दोनों को ही प्रभावित करेगा। अच्छा, इसको ये सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, किसको नुकसान देता है ये आने वाला समय बताएगा। नहीं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के लड़के वाली डील मान ली और इसी वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी से अलग हो गए, क्या कुछ ऐसा भी था क्या? देखिए नितिन जी, आप भी पत्रकार हैं और आपको बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए हैं, सारे घटनाक्रम आपको पता है। स्वामी प्रसाद मौर्य इस बात पे अड़े थे कि उनके बेटे को, अशोक को, उत्कर्ष को टिकट दिया जाए। उनकी जो बेटी थी वो लगातार जो है सांसद होने के बावजूद भी विरोध के स्वर उन्होंने अपना के रखे थे। यहाँ पर उनकी मुलाकात जो है, आप मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि वीएल जो संतोष है, जो संगठन मंत्री है राष्ट्रीय बीजेपी के, उनसे मुलाकात हुई थी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी डिमांड रखी थी जिसको खारिज कर दिया गया था। उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि संगठन के कार्यकर्ता और भी हैं उनको भी टिकट दिया जाए, तो बेटों के लिए टिकट जो है वो मनाही हो गई थी। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार नाराज थे और निश्चित रूप से उनका ये मानना था कि अगर वो जमीन से जुड़े नेता हैं, उनके पीछे इतना बड़ा मास है, इतने बड़े लोग हैं, इतना बड़ा उनका जनसंपर्क है, पूरी 100 सीटों पर मौर्य जो जाती है वो प्रभावित करती है, तो उनके बेटों को क्यों ना टिकट दिया जाए। यहाँ पर परिवारवाद को वो नहीं मानने को तैयार थे और भाजपा में उनका जो ये रोल हुआ उसके बाद ही अलगाव का दौर शुरू हुआ। ठीक है सर, पिछले चुनाव में ऊंचा था, उनके बेटे हार गए थे। ठीक है सर, ठीक है। शिल्पी जी कुछ कहना चाह रही थी आज, अब शाही साहब बोल रहे थे। मैं इनसे कह रही थी कि 5 साल जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी भाजपा में रहे उस कार्य को शाही साहब एकदम गोल के ऊपर थे, कुछ उसके बारे में भी तो तर्ज करिए। ऐसा थोड़ी ना है कि सपा थे, बसपा थे, फिर सीधे कहा कि सपा में आके, अरे भाई आपके साथ रहे हैं, आपके संगी रहे हैं, उस तो तारीफ बात आपको मिली होगी ना, इतनी तारीफ आपने कर दी कि यहाँ रहे वहां रहे। और इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया जी एक बड़े नेता कहते हैं, उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को कहा कि वो अंधकार है, शाही साहब अब उनको धृतराष्ट्र कह रहे हैं, तो बड़ा गलत है। ये अंधकार, ये धृतराष्ट्र जब तक इनकी पार्टी में थे तब तक सिंगा सी, और अभी जैसे उन्होंने कहा कि भाई मेरी बात नहीं मानी जा रहा है, जो कुछ भी हो
अब वो सारी कमियां निकल के आ। अच्छा ये जल्दबाजी किस लिए? नहीं मैं ये कह रहा था जल्दबाजी भी बहुत दिखा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि मनाने की कोशिश करी जा रही है, केशव प्रसाद मौर्य लगे हुए हैं मनाने में, और कुछ नेता मंत्री ऐसे हैं जो ट्वीट भी कर दे रहे हैं कि ये वो कुछ कुछ गुस्से को लेकर के नाराज थे इस वजह से ऐसा कर दिया, कदम गलत है, ये सारी चीजें। जो आज का मोमेंट था, जो आज का क्षण था, वो एक दिन का नहीं था, वो महीनों की एक्सरसाइज के बाद दो दिन सामने आया। तो ये इनका आरोप है कि जल्दबाजी थी, जल्दबाजी दिखा के हमें क्या मिले, हमें जल्दबाजी दिखा के क्या मिले। तो शाही साहब तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव से मुलाकात ही नहीं हुई है उनकी, और फोटो पता नहीं कहां से अखिलेश यादव डाल दिए। तो बहुत कुछ कह रहे हैं, शाही साहब को कहने का पूरा अधिकार है, हम उनकी तरह तानाशाह थोड़ी ना, हम तो तंत्र में विश्वास रखते हैं उनका। जो मुलाकात हुई है कि नहीं मैडम, वो जो बिल्कुल मुलाकात हुई है, तो ये शाही साहब कहां से बता रहे हैं कि मुलाकात नहीं हुई है। तो केशव प्रसाद, ये आपके स्वामी प्रसाद मौर्य जी को किसी ने रोका है? मना भी तो कर सकते, उन्होंने कहीं खंडन किया है? उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब मैं बोलना चाहता था आप नहीं सुनी। समाजवादी पार्टी के लिए वो बिल्कुल कह सकते थे कि नहीं ये छोटी फोटो फेक है, लेकिन ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो अपने अब समय आ गया है, अब समय आ गया है कि आप लोगों को सब जवाब मिलेंगे। देखिए देखिए सुन लीजिए, सुन लीजिए शिल्पी जी क्या कह रहे हैं, सब बंद होने वाले। शिल्पी जी सुन लीजिए शाही साहब। हाँ शाही साहब क्या कह रहे हैं? नितिन जी आज के दिन मीडिया लगी रही, लेकिन कहीं भी मतलब मुझे तो नहीं लिखा कि समाजवादी के दफ्तर में आप लोग भी दिखाते रहे, या कहीं पर वो कहीं पर वो गए हो, कहाँ मुलाकात हो गई, ये मुलाकात का एक खुलासा चाहिए। मुझे भी एक नितिन जी जानकारी दे दीजिए, हो सकता है मैं गलत हूँ। शिल्पी जी जैसे कह रही हैं चलिए वो पार्टी की हैं, लेकिन नितिन जी एक पत्रकार के रूप में आप भी आज दिन भर सक्रिय रहे होंगे। शिल्पी जी सुन लीजिए थोड़ा सा, मैं नितिन भाई से पूछ रहा हूँ या मनीष जी पूछ रहा हूँ, दो पत्रकार भाई हमारे बैठे हैं, कहीं हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं अपनी बात वापस ले लूंगा, लेकिन कहीं ऐसी जानकारी में नहीं आई है, कहीं पब्लिक डोमेन में नहीं आया है कि वो मुलाकात हुई है, और वो फोटो तुरंत जो है बाहर आ गई है। हो सकता है मुलाकात हुई हो, मैं गलत हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हमारी जानकारी थोड़ी सी बढ़ाइए नितिन जी। नहीं, और मुलाकात हुई है शाही साहब, मुलाकात हुई है तो मैं अपनी बात वापस लेता हूँ, लेकिन मैं अपनी बात वापस लेता हूँ, मेरी जानकारी अगर नहीं है तो मैं अपनी बात वापस लेता हूँ जी। लेकिन मेरा जहां तक मानना है कि उस मुलाकात और उस ट्वीट में कहीं फर्क वो है, उन्होंने स्वागत किया कि वो आ रहे हैं हमारे यहाँ, हमारे यहाँ आने वाले स्वागत है, लेकिन उन्होंने मना किया है, स्वामी प्रसाद जी ने मना किया है कि हम अभी बताएंगे। हाँ, इसका औपचारिक ऐलान किसी प्रकार का नहीं हुआ है कि वो सपा में जाने वाले हैं, ये बात सही है, लेकिन मुलाकात हुई। उनके ट्वीट को पढ़िए, अखिलेश जी का ट्वीट को पढ़िए जरा, अखिलेश जी का जो ट्वीट था वो ट्वीट पढ़िए, उसमें कहीं दोनों जगह कोई सामंजस्य नहीं है। इतना क्यों परेशान है, अखिलेश जी ट्वीट करते हैं तो मतलब पूरा फोकस आपका ट्वीट और अखिलेश। भाई अखिलेश जी देखिए, शिल्पी जी अखिलेश जी वो नेता है शिल्पी जी जो वर्चुअल हार मान चुके हैं, उन्होंने कहा है कि हम वर्चुअली जो है भारतीय जनता पार्टी से हार चुके हैं, तो हमको तो थोड़ा बहुत विरोधियों का खबर रखना ही पड़ेगा, विरोधियों की खबर रखनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसे थोड़े ही है, ये राजनीतिक दल है, हम सबकी खबर रखेंगे, तभी तो जो है हमारे आँख कान नाक खुले रहेंगे, तो पता चलेगा कहाँ क्या हो रहा है। अगर आपको स्वामी प्रसाद जी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप कहते गए जाने दीजिए, लेकिन आपके चार विधायक और गए हैं, आप उनके लिए भी कुछ नहीं कह पा रहे हैं, आप कुल और कुल मिला के परेशान है, समाजवादी पार्टी क्या कर रही है। शिल्पी जी देखिए अभी चुनाव है, अभी देखिए क्या होता है, आपको भी अभी एक धमाका सुनने को मिलेगा, क्या हो रहा है, आप कौन सा धमाका, कौन सा धमाका शाही साहब, देखिए आने क्या ला रहे हैं आप, कितना समय आने दीजिए, अभी बहुत कुछ है, आज बता ही दीजिए, यहाँ से गर्त में बहुत कुछ है, यहीं से बता दीजिए क्या ला रहे हैं सर। अभी भविष्य के गर्त में देखिए बहुत लोगों का आना जाना लगा रहेगा, इधर उधर बहुत सी चीजें हैं जो भाई भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान करेंगी, भारतीय जनता पार्टी को अमित जी की आवाज नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, हाँ हम लोगों को भी नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही, कांग्रेस की आवाज आ रही है, कांग्रेस तो जो है
कांग्रेस की आवाज सुन के आप परिपक्व नेता बने हैं, परेशान मत होइए साईं जी। ऐसा है, आज केशव प्रसाद मौर्य जी ने एक ट्वीट किया है और वो ट्वीट पढ़ रहा हूँ। मौर्य जी ने किन कारणों से इस्तीफा दिया है मैं नहीं जानता हूँ। उनसे अपील है कि बैठ के लिए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। मेरी आवाज आ रही है जी की? शाही साहब मेरी आवाज भी पा रही है? शाही साहब आपको अमित जी की आवाज मिल रही है? अमित जी की आवाज नहीं आ रही है। टेक्निकल टीम से मैं कहूंगा कि जल्दी से आवाज सही करें। जी 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 आवाज आवाज रिकवर हो गया। जी आवाज रिकवर। मैं वो राहुल जी के साथ विदेश यात्रा पर चली गई है कांग्रेस की आवाज। नहीं, आवाज कहाँ चली गई? आवाज तो यही है। वो कह रहे हैं कि इसी आवाज को सुन सुन के आप लोग ने राजनीति सीखी है। अमित जी की आवाज नहीं आ रही है, मैं फिलहाल उनसे वापस जुड़ूंगा। हाँ, शाही साहब आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी करें। जी जी हाँ, अमित भाई बताइए। हाँ अमित भाई, क्या हाँ मेरी आवाज जा रही होगी आपको? हाँ मिल रही आवाज। मैं वही कह रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है अभी, हाँ, कि मैं वो कारण नहीं जानता कि इस्तीफा किस कारण से उन्होंने दिया है और हमको मिल बैठ के बात कर लेना चाहिए। अब देखिए, वह स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो सपा से बसपा की यात्रा करते हैं, बसपा से भाजपा की यात्रा करते हैं और भाजपा से फिर वो सपा की तरफ जा रहे हैं। अभी जा कहाँ रहे? उन्होंने कहा मैं कुछ बड़ा करूंगा, हो सकता है कांग्रेस की तरफ मैं बता रहा हूँ, वो बहुत हो सकता है बड़ा करेंगे, इतना बड़ा करेंगे कि साई जी डिफेंड नहीं कर पाएंगे। अरे अमित भाई, हो सकता है। मेरा कहना यह है कि जिनके अंदर खुद में स्थिरता नहीं है उसके ऊपर इतना भरोसा साई जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, ये हास्यास्पद है। सवाल इस बात का है कि आप किस तरह से कैसे लोगों पे भरोसा करते हैं। और अगर उनके जाने के कारणों पे विचार करें तो जो पब्लिक डोमेन में आ रही है वो ये आ रही है कि तमाम सीटों की मांग थी स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरा नहीं कर रहे थे। और व्यक्तिगत तौर पे जो स्वामी तो प्रसाद मौर्य के उद्गार आए हैं उसमें उन्होंने कहा कि हमारी सुनी नहीं जा रही है, हमारी सुनी नहीं जा रही है। तब सवाल इस बात का है कि अब जिस पार्टी के मंत्री को, उप मुख्यमंत्री को नहीं पता है वजह। जी अमित भाई, शाही साहब कह रहे हैं जितिन प्रसाद को लेकर कुछ बोल रहे थे कि जितिन प्रसाद की कौन सी बात आप लोगों ने मान ली थी। देखिए, हमारी नेता दड़िया प्रियंका गांधी ने अभी कल क्या ही इंटरव्यू उनका रहा है और आदरणीय राहुल गांधी जी ने बहुत पहले इस बात को कहा है कि जिनको हमारे संघर्षों में मन से हमारा साथी नहीं बनना है वो जाना चाहे तो जाए। हमें हमें संघर्ष करना है, आम आवाम की लड़ाई तानाशाही सरकार के साथ लड़नी, हमको लड़ाके चाहिए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य से जिनको लड़ना है वो मेरे साथ रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य तो हमें इसकी परवाह नहीं कि जितिन प्रसाद चले गए, ज्योतिराज सिंधिया चले गए, अन्य लोग चले गए। हम तो अपना एक विशाल कैडर खड़ा कर रहे हैं जो बिल्कुल समर्पित कार्यकर्ताओं का है। और आज एक बड़ी बात प्रियंका गांधी जी ने समाज के बीच में लाई कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के वादे के साथ उन बेटियों को, उन महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है जिनका उत्पीड़न भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। चिन्मयानंद और इनके कुलदीप सेंगर जैसे विधायक और सांसद मंत्री, आप लोगों ने टेनी का बर्ताव आपने देखा, ये लोग किस तरह से तानाशाही सरकार चला रहे थे। अब नितिन जी एक बात स्पष्ट कर दो, जरा एक मिनट का समय दीजिएगा। बोल लीजिए बोल लीजिए, जल्दी से पूरा। तीनों कृषि कानून प्रधानमंत्री ने वापस लिए, पूरे देश को पता है वापस लेने में सिर्फ और सिर्फ उनकी एक मंशा थी, भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री उनके कार्यकर्ता गांव में जा नहीं पा रहे थे, इतना विरोध झेलना पड़ रहा था और सत्ता कहीं चली ना जाए इस दबाव में आखिर एक अच्छा निर्णय, भले ही दबाव में लिया गया एक अच्छा निर्णय लिया। और इनके मंत्री यही समझाते रहे, इनके कार्यकर्ता सालों साल किसानों को समझाते रहे, क्योंकि ये तानाशाही से सरकार चलाते हैं, चाहे योगी आदित्यनाथ हो चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हो, ये पूरी तानाशाही के साथ सरकार चलाते हैं। चलिए ठीक है। और किसी तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य जी आज तक मंत्री पद बचाए रखते हुए काम कर रहे थे, अब वो सांस फूला जा रहा था बेचारे रास्ता और अपना ठौर तलाश रहे हैं।
कल को जब वो समाजवादी पार्टी में चले जाए तो साहिल जी को फिर से बुलाइएगा। ये भी तो हो सकता है कांग्रेस में चले जाए, उनको भरोसा बहुत जाते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ने वाले हैं। ठीक है, मैं शाही साहब से जवाब लेता हूँ। शाही साहब, सुना आपने अमित जी क्या कह रहे थे? जी नितिन जी, अभी देखिए उन्होंने खुलासा नहीं किया है कि कहाँ जा रहे हैं। अगर मैं वही कह रहा हूँ तो हो सकता है शायद कांग्रेस में चले जाए। वो कहीं जाए लेकिन कल साई जी को फिर से बिठाइएगा जरूर। फिर से जो है दो दो लड़कों की जोड़ी फिर से बनने जा रही है। आप बेफिक्र रहे, हम 403 सीट पे अकेले लड़ने जा रहे हैं। आप गलत फहमी में मत रहिए साई जी। नहीं, आपके तरफ से इंतजार है शायद दो लड़कों की जोड़ी फिर से बनने जा रही है। अखिलेश जी घास नहीं डाल रहे, क्या बात है? अरे पूरा प्रदेश हमारी जोड़ी बनने को तैयार है सर। आप अपना कुनबा बचाइए, तमाम विधायक आपके दूसरों के संपर्क में हैं। मैं आपको अपडेट दे दे रहा हूँ, तमाम विधायक आपके भागने वाले हैं, अभी और भी भागेंगे, संभालिए उनको। हम जो है 40-45-50 का टिकट तो हम देखिए, गुजरात में तो हमने पूरा नया मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री समेत बना दिया। हम तो ये भी इतिहास बनाते हैं भाई। आप एक्सपेरिमेंट करते रहिए, गुजरात और उत्तराखंड में आपने केवल एक्सपेरिमेंट किया, मुख्यमंत्री पर मुख्यमंत्री बदला, हर मुख्यमंत्री अकर्मण्य साबित हुआ, चाहे वो गुजरात हो चाहे वो उत्तराखंड हो। आपने अकर्मण्यों को कुर्सी दे दी, भारतीय जनता पार्टी आपके पास प्रदेशों में नेतृत्व है ही नहीं है। परेशान है अमित भाई? नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं परेशान नहीं हूँ, लेकिन आपके पास नेतृत्व का इतना अभाव है। बेचारे सोच रहे थे कि उत्तराखंड और गुजरात में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं कि सपा नहीं आ रही है? शाही साहब, अरे आप ही लोगों का सर्वे देख देख के कुछ ज्ञान हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से आ रही है। अच्छा शिल्पी जी, ये शाही साहब इतने कॉन्फिडेंट होकर कैसे बोल रहे हैं? सर्वे से ज्ञान हो रहा शाही जी को तो मुझे लगता है कि मिठाई सूख जाएगी आपको। सर्वे के भरोसे न रह, जनता में बहुत उबाल है। शिल्पी जी की आवाज नहीं आ रही भाई। बेरोजगारों, नौजवानों, महिलाओं, हमारे साथ है अमित भाई। सबको तकलीफ में डाला दिया था जनता ने, आपने नौकरियां छीन ली, और फिर आपके शासन में आपके सरकार में आज तक का इतिहास है, कभी भी किसी की सैलरी नहीं घटाई गई थी। आपने अनुदेशकों से उनका सैलरी भी छीन लिया। अमित भाई, अमित भाई, शिल्पी जी को सुन लीजिए, कुछ कह रही है कि मौर्य जी क्यों, मौर्य जी किससे मुलाकात कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है तो सबसे ज्यादा परेशान आज की डिबेट में आप देखिए अश्विनी शाही जी हैं, जबकि इनकी सरकार आ रही है। देखिए कितना मजेदार बात है, और बातों बातों में इन्होंने कह दिया कि हमने गुजरात में पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया मुख्यमंत्री समेत, यानी जो अंदर की बात थी वो बाहर आ गई। योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे भारतीय जनता पार्टी के चुनाव नहीं लड़ने जा रही, उसको स्पष्ट कर दिया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने सबके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ का चेहरा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को टेंट पहुंचा रहा है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। पे शुरू तुम्ही पे खत्म, अखिलेश जी से शुरू, अखिलेश जी पे खत्म की बात पकड़ ली। जो बोल रहे थे हमारी क्या बात है, आपने कहा कि गुजरात में आपने मुख्यमंत्री समेत पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया। देखिए कितनी बढ़िया बात है कि संघ की बातें अब धीरे धीरे ऐसे बाहर आ रही हैं। तो ये जो 14 तारीख को बड़ा धमाका होने वाला है, आप एक काम बताइए शिल्पी, चलता है समाजवादी पार्टी की शरण में मुख्यमंत्री हो सकती है समाजवादी पार्टी सरकार जी के अलावा कुछ हो सकता है? प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं? नहीं हो सकता है। 14 तारीख को योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी के कार्यालय में दिख जाए सकती है, और आप लोग उसी पर परेशान मत होइए, बाहर निकलिए। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, फलाने निकलिए। चलिए ठीक है, प्लीज हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मनीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष भाई, आपसे बस आखिरी में यही पूछना चाहूंगा कि अब आगे की रणनीति इन राजनीतिक दलों की तरफ से क्या रहेगी, और सौम्य प्रसाद मौर्य के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि 14 तारीख को लेकर के उन्होंने कोई बात कही है बड़ी बात। सपा कह रही है कि हमारे साथ आ सकते हैं, लेकिन अभी कन्फर्म नहीं हुआ है। देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो राजनीति के पुराने और दिग्गज खिलाड़ी हैं, तो वो अभी पत्ते इसलिए नहीं खोलना चाहते हैं क्योंकि 14 तारीख तक बीजेपी की जो कार्य समिति है वो दिल्ली में बैठक चल रही है, लखनऊ में बैठक चल रही है, टिकटें फाइनल हो रही हैं। क्या एडजस्टमेंट बनता है, कोई भी दल हो या कोई भी नेता हो, निश्चित रूप से वो अपनी जीत ही चाहेगा। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज जो
ढके छिपे जो भी शब्द है उनमें कह दिया कि भाई मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ और वहीं जाऊंगा जहां पर मुझे कुछ सम्मान होगा, जीत होगी, तो किस करवट उठ बैठता है ये तो अभी वक्त है, देखने वाली बात है। लेकिन ये स्पष्ट है कि अब जो है अगले हफ्ते भर दो हफ्ते भर उठा पटक आने जाने का दौर एक चलता रहेगा और निश्चित रूप से बीजेपी ने जैसे पिछले दो तीन दिनों में एक संदेश दिया है कि 100 से ज्यादा विधायकों का टिकट कटने जा रहा है, तो ये किस रूप में लिया जाता है कि टिकट कट रहा है या मनाया जा रहा है, रूठों को मनाया जा रहा है, जैसे कि आज केशव मौर्य सामने आए एकदम से अचानक आए, तो क्या सीन बैठता है ये बहुत दो हफ्तों में क्लियर हो जाएगा। स्पष्ट रूप से संक्रांत से ये स्पष्ट हो जाएगा कि मौर्य जो है वो कहां बैठ रहे हैं और ओबीसी जो एक डिसाइडिंग फैक्टर है जिसके लिए बीजेपी भी अपनी ताल ठोक कर बोल रही है कि ओबीसी का वोट जो है वो हमारा वोट है। जो अखिलेश यादव है वो हमेशा शुरू से ही बोलते आए हैं कि माई जो वो जो है माई फैक्टर है और जो ओबीसी मुसलमान फैक्टर है उसमें दलित भी जोड़ा जाएगा, इस बार ब्राह्मण भी जोड़ा जाएगा, तो एक नए नए समीकरण अलग अलग तैयार हो रहे हैं। कांग्रेस प्रियंका गांधी के नेतृत्व में यूपी में लड़ रही है, उन्होंने कहा है कि बेटी बचाओ का जो नारा है वो लड़की है लड़ाई होगी, इस तरह से उन्होंने जो एक सीन क्रिएट किया तो माहौल काफी रोचक है और निश्चित रूप से एक दूसरे में लड़ाई होगी, आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये है कि चुनाव बड़ा रोचक होगा और खास तौर पे वर्चुअल माध्यम इस बार बहुत प्रभावी साबित होगा कोरोना काल में। ठीक है, ये मेरा कहना है। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रमुख मुद्दे पर जुड़ने के लिए और अपना अपना विचार रखने के लिए। तो साथियों, आज उत्तर प्रदेश के राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है। चुनाव से ठीक पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने बीजेपी और अपने मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा दे दिया और अब आगे क्या करेंगे वो अभी उन्होंने तय नहीं किया। उन्होंने ये जरूर बता दिया है कि 14 तारीख को मैं कुछ बड़ा करने वाला हूँ। बड़ा क्या होगा ये तो नहीं पता, 14 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन क्या इसी तरह के और भी कदम हमें आए दिन देखने को मिलेंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मिनट दर मिनट, सेकेंड दर सेकेंड कुछ ना कुछ जरूर बदल रहा है, चाहे दल छोड़ने की, दल जोड़ने की बात हो, एक दूसरे के साथ मिलने की बात हो, सीटों की बात हो या फिर मुद्दों की बात हो। फिलहाल आज की डिबेट में इतना ही, हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।